नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स इसका आज 18 डे है, यानी यहाँ पर हम लोग वर्कशीट नंबर 18 ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर वर्कशीट नंबर 18 में अपना यूनिट है नंबर वर्क और सब यूनिट है मल्टीप्लिकेशन। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये आपको मैंने बताए थे। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की रिवीजन जो है वो चालू है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए है, ये आपको इसमें से एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिखाया है और रिमेनिंग एग्जाम्पल आप लोगों को इसी प्रकार अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। तो देखो, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल फर्स्ट है 327 मल्टीप्लाई 92। सेकेंड एग्जाम्पल है 807 मल्टीप्लाई 126। थर्ड एग्जाम्पल है 567 मल्टीप्लाई 890। फोर्थ एग्जाम्पल है 4317 मल्टीप्लाई 824। फाइव नंबर का एग्जाम्पल है 6092 मल्टीप्लाई 203। सिक्स नंबर का एग्जाम्पल है 1177 मल्टीप्लाई 99। सेवन नंबर का एग्जाम्पल है 456 मल्टीप्लाई 187। एट नंबर का एग्जाम्पल है 6543 मल्टीप्लाई 79। नाइन नंबर का एग्जाम्पल है 2306 मल्टीप्लाई 832। टेन नंबर का एग्जाम्पल है 6429 मल्टीप्लाई 509। इलेवन नंबर का एग्जाम्पल है 4321 मल्टीप्लाई 678। एंड ट्वेल्व नंबर का एग्जाम्पल है 20304 मल्टीप्लाई 87। तो देखो, ये जो ट्वेल्व एग्जाम्पल है उसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। रिमेनिंग एग्जाम्पल आप लोगों को इसी प्रकार अंडरस्टैंड करके आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने फाइव नंबर का एग्जाम्पल है 6092 मल्टीप्लाई 203। जैसे हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते वैसे हम लोग पहले यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थ्री यूनिट से ये पूरा नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स, थ्री नाइन जा 27, 27 का यूनिट 7 यहाँ पर, और टू हासिल है यानी टू एक्स्ट्रा है वो अपने मन में पकड़ने का है। थ्री जीरो जीरो और टू एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया, और थ्री सिक्स जा 18। उसके बाद टेन प्लेस, टेन प्लेस का जीरो यहाँ पर लिखने का है, और उसके बाद वन टू थ्री फोर, जीरो से किसी भी डिजिट को या फिर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा जीरो आता है, इसलिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर इन सबको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो ही आने वाला है, इसीलिए जीरो जीरो रख दिया। उसके बाद 200, ये जो है इसके 100 के टू जीरो यहाँ पर रख दिए, और टू टू जा फोर, टू नाइन जा 18, एक्स्ट्रा वन, टू जीरो जीरो और यहाँ पर वन, टू सिक्स जा 12। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन कम्प्लीट हुआ। अभी इनका एडिशन करना है, पहले यूनिट का एडिशन करेंगे। सिक्स प्लस जीरो प्लस जीरो सिक्स, सेवन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस इज इक्वल टू सेवन, टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, एट प्लस एक्स 16, एक्स्ट्रा वन, वन प्लस वन प्लस वन थ्री, टू और यहाँ पर वन, तो आंसर आ गया 1,236,676। तो इस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लाई का वन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है, रिमेनिंग एग्जाम्पल आपको करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू। एज अ यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम पर किस तरह से सॉल्व करने के हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर टू है, एज पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक कंपेजियन ईच ऑफ 745 स्टूडेंट्स मेड 25 पेपर बैग्स, व्हाट वॉज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड। मतलब देखो, यहाँ पर ये जो अवॉइड प्लास्टिक, ये जो कंपेरिजन है, तो उसमें 745 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है, उन्होंने इच स्टूडेंट्स ने 25 पेपर बैग्स जो है वो तैयार की है, तो टोटल कितनी बैग्स तैयार होगी वो आपको मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। सेकंड नंबर है, तो इफ अ सर्टेन टू व्हीलर कॉस्ट 53,670 रुपीज, हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर्स कॉस्ट। देखो, वन टू व्हीलर की कॉस्ट है 53,670 रुपीज, तो ऐसी 35 टू व्हीलर की कॉस्ट कितनी होगी, इसीलिए 53,670 मल्टीप्लाई 35 करने का है, जो आंसर रहेगा वो टोटल कॉस्ट रहेगी। थर्ड नंबर का एग्जांपल है, वन ट्रेवलर इनकर्स अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 7,650 रुपीज फॉर अ सर्टेन जर्नी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 26 सच ट्रेवलर्स। यानी वन ट्रैवलर जो है तो वो ट्रैवल के लिए 7,650 रुपीज कॉस्ट मतलब खर्चा करता है, तो ऐसे 26 ट्रैवल्स का खर्चा कितना होगा तो वो हमें फाइंड करना है, इसलिए भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार ये सभी एग्जांपल जो है
वो आप लोगों को अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। यहाँ पर वीडियो मैंने दिखाया है, वीडियो अच्छी तरह से समझकर आप लोगों को अपने नोटबुक में ये सभी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने के हैं।